हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे जो मेरे वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कि 10th के बाद क्या करना है। अभी एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें सबसे पहले हम ये करना है कि 10th के प्रिपरेशन करना है। जो साथी 10th के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट 10th के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सबसे पहला उनका काम है कि वो अपनी पढ़ाई पर केंद्रित रहें, यानी ध्यान दें अपने पढ़ाई को, वो जितना अच्छा कर सके। अब आने के आगे जो पढ़ाई होगी वो 10th बेस पे ही होगी। मतलब ये है कि आपका जो मार्क्स होगा, आपकी उत्साहित जो आपके आपके अंदर एडुकेटेड क्या है, आपके अंदर क्या आपने पढ़ाई किया 2 साल 3 साल में, वो फिर आपका आगे की पढ़ाई का रास्ता खोलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छे से मेहनत करें, आपका सिलेबस कवर करें। आपका एग्जामिनेशन का टाइम बहुत कम बचा है, आप अपने उसी टाइम में टाइम को कंप्रोमाइज करें। कैसे, किस सब्जेक्ट में मेरा कम तैयारी हुआ है, किस में ज़्यादा हुआ है, वो देख के फिर उसको तैयारी करें। तैयारी करने के बाद आप जब आप 10th का एग्ज़ाम दे देते हैं, 10th के बाद अब क्या करना है, इसी टॉपिक को आज का टॉपिक है कि हम आफ्टर 10th क्या क्या करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा किधर है, क्या पढ़ने की इच्छा है। 10th के बाद 3 रास्ता हो जाता है। सबसे पहला है कि कॉमर्स है, आर्ट्स है और साइंस है। आप सुनते होंगे कि जो कॉमर्स रखता है वो अकाउंटेंट या बिजनेस में उनका जो रुचि होता है या जो उनका कॉमर्स से पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेता है। उसके बाद आर्ट्स है, आर्ट्स से आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स से डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए क्या है, साइंस है। साइंस में है कि साइंस भी 2 डिपार्टमेंट में, 2 भाग में पढ़ जाता है। एक होता है मैथ्स, एक होता है बायो। अगर आप मैथ्स रखते हैं तो जीमेंस जेईम जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें जा सकते हैं, और अगर आप बायो रखते हैं तो बायो से आप मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाने के लिए इच्छुक है तो आप जा सकते हैं। अब यहाँ खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10th के बाद सलाह लें सबसे। सलाह लेने के बाद अगर आपकी इच्छा है कि हम डॉक्टर बने तो आप फिर बायो रख के फिर बायो की ओर चले। अगर आपको इंजीनियर बनने की ख्वाहिश है या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ रखें, मैथ रख के फिर अपना मैथ की ओर तैयारी करें। ये अफसर 10th की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जो अब 10th पास कर चुके हैं या अब एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपका सिलेबस कवर करना पड़ेगा, टाइम कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। आपका सब सब्जेक्ट जो है, 5 या 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, सोशल साइंस है, साइंस है, तो आप सब सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। अब आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बचा है, इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छा से करना है। आपकी एग्जामिनेशन कैसे तैयारी हो पाए, कैसे एग्ज़ाम दे, इसके लिए खुद के मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत तब करेंगे जब आपको उनके बारे में पता होगा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में तैयारी नहीं हो पाई है, जिनमें कमी है, उनमें कोशिश करें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें, मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अब जो है सुनते होंगे कि करेज कोर्स करवाया जाता है, तो करेज कोर्स में होता क्या, वो जो स्टूडेंट का जो मैन सब्जेक्ट होता है, मैन चैप्टर्स होता है, उनको पढ़ाया जाता है। जैसे 10th के केमिस्ट्री में है, कार्बन केमिस्ट्री के चैप्टर में है, उसके बाद आपको यहाँ भी 3 डिपार्टमेंट में साइंस बटा हुआ है। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आगे आप अच्छा से पढ़ सकें। इसलिए आप अगर डॉक्टर बनना है तो फिर बायो रखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा मेहनत किया तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो फिर आपका रिजल्ट ख़राब होगा। इसलिए अभी मौका है और अच्छा टाइम है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस वीडियो में जो भी हमारे व्यूवर्स है या देख रहे हैं, उनको चाहिए कि आप अपने छोटे भाई जो हैं जो 10th में, उनको भेजें, और उनको आप अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको मोटिवेट करें कि स्टूडेंट का चाहत क्या है, किस तरफ जाना चाहता है, उस तरफ उनको ले जाने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि बच्चा मैथ्स रखना चाहता है आप उसको रखवा रहे हैं आर्ट्स, अगर वो आर्ट्स रखना चाहता है तो आप कॉमर्स रखवा रहे हैं। बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है वो करना क्या चाहता है। आप तीनों रास्ता को उनको दिखाइए, जिस रास्ता में वो जाना चाहता है, फिर उनके ऊपर मेहनत कीजिए, फिर वो अपना रास्ता को ढूंढेगा, फिर अपना रास्ता और अपने मंजिल पर पहुँच पाएगा। वरना आप ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट रखवा लेते हैं तो फिर बच्चा को दिक्कत होने लगता है आगे चल के। उससे होता क्या है कि उनका जो टारगेट होता है, टारगेट फेल होने लगता है, चूँकि 10th क्लास तक तो कोई आज आगे एजुकेशन का क्या महत्व उनको पता नहीं चलता है, हमें किस फील्ड में जाना है, आगे का क्या मामला है, कैसे जनरल कंपटीशन होता है, कैसे मेडिकल प्रिपरेशन करना है, कैसे इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करना है, तो उनको पता नहीं चलता है। इसलिए आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे को तीनों सब्जेक्ट के बारे में बतवे,
बताया और उनको देखे को इच्छुक किस सब्जेक्ट में और कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको पढ़ने का मौका दिया जाए।